जाए तो ये वो स्टार ओवे टीम की टूर्नामेंट निश्चित रूप में अगले ये इसी साल यानी कि नवंबर दिसंबर के अंत में यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए तो जिस तरह से खारगर टीम ने उस स्टार ओवे टीम के उस टूर्नामेंट में विधायक ट्रॉफी में दूसरे नंबर का खिताब जीता था और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी यानी कि वही सूरज पाटिल अब मैदान के अंदर प्रस्थान कर चुके हैं। दादा आप भी थे उस वक्त, क्या बल्लेबाजी की थी सूरज पाटिल ने। तो जरूर आप यहां से 57 रनों का पीछा करना है। गेंदबाजी के तौर पे सूरज मढ़वी, लेकिन इस मरतबा सूरज मढ़वी ने लिया विकेट सूरज पाटिल का। सूरज पाटिल यहां से पहली गेंद के ऊपर आउट होकर फाइलिंग का रास्ता नापते हुए थे। एक बिग विकेट, बिग सफलता मिलती हुई। अब यहां से कहीं ना कहीं निश्चित रूप में एक बड़ी सफलता मिली है ओम साई एंटरप्राइजेस टीम को यानी कि सूरज मढ़वी को। तो देखना है नए बल्लेबाज वैभव मात्रे अब वन डाउन के ऊपर प्रस्थान करते हुए, लेकिन ओमकार पाटिल बीच मैदान के अंदर मौजूद हैं। रायगढ़ प्रीमियर लीग, कल से रायगढ़ प्रीमियर लीग का आगाज हो रहा है। कल मानो मैचेस नहीं है, लेकिन कल रायगढ़ प्रीमियर लीग का उद्घाटन सोहला आपके खिदमत में हाजिर होगा। एक उद्घाटन क्या होता है, शान और शौकत क्या होती है एक कार्य की, वो आपको कल देखने को मिले देखने का मौका मिलेगा। और उसमें ही कल एक रायगढ़ और ठाणा का एक बिग फाइट मैच, शो मैच आपके खिदमत में हाजिर होगा। सूरज की अगेन यहां से जिस तरह से इस गेंद को खेला था, निश्चित रूप में एक रन जरूर आएगी। इसे 1 रनों के साथ स्कोर 1 से आगे आता हुआ तकरीबन 1 रन 1 से शुरुआत होती हुई जीतने के लिए जरूर बात करेंगे। तो 57 का लक्ष्य का पीछा करना है। सचिन पाटिल जिनके नेतृत्व में टीम खेल रही है, टीम नागांव। तो जरूर मैं डावलेगांव टीम के कप्तान से अनुरोध है कि आपको टॉस के लिए आना है, डावलेगांव टीम के कप्तान, क्योंकि आपके अपोजिशन के कप्तान यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। किरवली टीम के कप्तान अनिल पाटिल, ये देखिए यहां से, और क्या बेहतरीन कैच लिया है, बेहतरीन शानदार कैच, और ओमकार पाटिल के पारिकांत। तो दो खिलाड़ी जो निर्णायक खिलाड़ी थे इस टीम के, वो दोनों खिलाड़ी पॉइंट का रास्ता नापते हुए जीरो का योगदान देते हुए, एक तरफ यहां पर सूरज पाटिल आउट हुए तो दूसरी तरफ देखा जाए तो ओमकार पाटिल ने भी यहां पर मैदान छोड़ा है। यानी कि थोड़ी सी नाजुक परिस्थिति जरूर देखने को मिल रही है टीम खारगर की, लेकिन यहां से नागांव टीम एक सुस्थिति में देखने को देख रही है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर गेंदबाज सूरज मढ़वी की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। लोअर फुल टॉस थी उठाने की कोशिश, लेकिन मिस टाइमिंग। और ये देखिए तीसरे विकेट का हुआ पतन, पूरी तरह से एक नाजुक स्थिति से यहां पर गुजर रही है टीम खारगर। यानी कि तीन जो खिलाड़ी थे निर्णायक खिलाड़ी, वो तीनों के तीनों खिलाड़ी निश्चित रूप में यहां पर कुछ योगदान नहीं दे पाए अपने टीम के लिए। ऐसा नहीं लग रहा था कि यहां से ये तीनों खिलाड़ी असफल होंगे, लेकिन गेंदबाज की अच्छी कोशिश, अच्छी गेंदें, हर एक गेंद को वेरिएशन दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं, बेहतरीन प्रयास दे रहे हैं इस समय सूरज मढ़वी। तो देखना ऐसे में यहां पर बिल्कुल एक काफी खूबसूरती के साथ प्रयास हो रहा है इस गेंदबाज सूरज का। डावलेगांव डावले टीम के कप्तान से गुजारिश है।
डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो यहाँ से एक रन जरूर मिलेगा। इक्का दुक्का से आप कुछ फर्क नहीं पड़ सकते हैं नागांव टीम के लिए, लेकिन इक्का दुक्का से निश्चित रूप में डॉट गेंदों से बहुत सारा कुछ फर्क पड़ सकता है टीम खारगर के लिए, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ से समीकरण काफी बड़ा बनता जा रहा है उनके सामने। 19 गेंदे अभी भी शेष बचे हैं और जीतने के लिए तकरीबन 55 रन चाहिए। अविनाश ने इस बीच उठाने की कोशिश की और 4 विकेटें इस ओवर में, 4 विकेट हासिल किए इस गेंदबाज सूरज ने। क्या बढ़िया गेंदबाजी की है और बेहतरीन प्रयास किया अपने टीम के लिए और सफलता पूर्वक गेंदबाजी में कहना चाहूंगा। इस ओवर में आए रन 2 और 4 विकेट आई, थोड़ी पूरी तरह से नाजुक स्थिति में यहां पर दिखाई दे रही है टीम शिवशक्ति खारगर। 57 का पीछा करते हुए अब जीतने के लिए बची हुई गेंदे हैं 18 और जीत के लिए 55 चाहिए। डावले टीम से अब इसके बाद कॉल नहीं होगा, आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा।